हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा में अध्याय 7 और आज हमारा है पार्ट 12। तो देखते हैं आज पार्ट 12 में हम क्या जानेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जो कि अभी तक हमने चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा है ऑल्टरनेटिव करंट के बारे में। तो अगर हम बात करें कि ऑल्टरनेटिव करंट की क्या एप्लीकेशन है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर उसकी एक एप्लीकेशन है। तो हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, तो वहां पे जब हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि जो एसी करंट होती है, उसमें हमने जब वोल्टेज का मान हमको कम या ज्यादा करना होता है, तो हम वहां पे ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर के बारे में और डिटेल में जानेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये कैसे वर्क करता है एंड इसका प्रिंसिपल के बारे में हम जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कैसा दिखता है। वेट, देखिए ये ट्रांसफॉर्मर की इमेज है। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, इसका हम कंस्ट्रक्शन आगे पढ़ेंगे। यहाँ के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो कुंडली होती है, मतलब ये प्राइमरी कुंडली होती है, जहाँ पे आप बहुत सारे एक कॉयल दे सकते हैं, बहुत सारे फेरे यहाँ पे लगाए गए हैं। एक दूसरी हमारे पास कॉयल है, जहाँ पे बहुत सारे कॉयल लगाए गए हैं। तो इस तरह का कुछ ट्रांसफार्मर जो है रियल में दिखाई देता है। अगर हम ट्रांसफार्मर के बारे में देखें, जो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता से कम वोल्टता में या फिर कम वोल्टता से अधिक वोल्टता में बदलना होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। इसी में हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेट अप ट्रांसफार्मर, एक होता है सेट डाउन ट्रांसफार्मर, यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि वोल्टेज को कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में चेंज करना। वही अपचाई ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि जो ज्यादा वोल्टेज है उसको कम वोल्टेज में परिवर्तन करना। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, वोल्टेज को वैरी करने का यहाँ पे काम करा जाता है इसके द्वारा। तो ऐसा करने से विद्युत ऊर्जा के उपयोग में सुविधा व दक्षता आती है। हम देखते हैं कि हमारे पास घर में एक प्लग होता है, वहां पर हमें क्या करते हैं, हम उसी प्लग में जो है एक साइड तो मोबाइल का जो चार्जर होता है, मतलब जिससे हमें मोबाइल चार्ज करना होता है, उसको हमें लगा दिया है। दूसरी साइड हम उसी स्विच में जो हमारे रेफ्रिजरेटर जैसे बड़े बड़े जो अप्लिकेंसेस होते हैं, उपकरण है बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर जैसे कि हमने वहां पे लगा दिया है। तो हम देखते हैं कि फोन के लिए हमें कम वोल्टेज की जरूरत है, जबकि रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है। तो ये सब काम कौन करेगा, ये काम ट्रांसफॉर्मर की सहायता से हम करते हैं कि कब हमारे उपकरण को कम वोल्टेज चाहिए, कब ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो ये सारा काम हमारा ट्रांसफॉर्मर की सहायता से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी कार्यविधि के बारे में देखें, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसका। ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण आपने पढ़ा था। तो ट्रांसफार्मर क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो प्रिंसिपल है उस पर ये बेस्ड होता है। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल, इसमें हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में। हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, हमारे पास एसी वोल्टेज यहाँ पे हम दे सकते हैं, इसको एसी करंट आप दे सकते हैं यहाँ पे। जब हम इसको एसी वोल्टेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसी वोल्टेज लगा होता है प्राइमरी कॉइल के साथ, और जो सेकेंडरी कॉइल है वहां पे हमारा सपोज हमारा एक बल्ब लगा है, तो एसी कॉइल में जब करंट यहाँ से फ्लो होती है, तो इसका एक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होता है, जो कि फ्लक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से फ्लक्स जनरेट होता है। जब ये फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ को जनरेट करता है। उस ईएमएफ का मान क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। आपने फैराडे लॉज में पढ़ा है कि इसका मान कितना होता है, तो आप इसको और अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से ये काम करता है। देखिए जो ये हमारे पास ये वोल्टेज यहाँ से मतलब दिखाई दे रहा हमें, यहाँ से एसी करंट की सप्लाई प्राइमरी कॉइल को हो रही है। प्राइमरी कॉइल में जब वोल्टेज आ रहा है, तो वहां से करंट जो है उसके अंदर प्रभावित हो रही है। करंट जब प्रभावित हुए तो फ्लक्स को जनरेट कर रहा है। फ्लक्स है वहां पे, यहाँ पे आप मैग्नेट देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेट जो है वो मूव ऑन कर रहा है।
उससे फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी जो कॉइल है वहां पे क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, और इस ईएमएफ के कारण यहाँ पे बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। तो ये पूरा प्रिंसिपल होता है ट्रांसफॉर्मर का जिसपे वो बेस्ड होता है। इस वाले प्रिंसिपल को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। हम बात करते हैं इसकी संरचना की, यानी कि संरचना मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन होता है, राइट। तो हम बात करने वाले हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो मैंने आपको दिखाया था इसके इमेज में, तो वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम इसको इस तरह से डायग्राम में देखते हैं, 2D डायग्राम में। तो हमारे पास क्या होता है, कोमल लोह क्रोड होता है जिस पर हमारे पास दो कुंडली लगी होती है। ये हमारे पास प्रथम कुंडली है और ये हमारे पास द्वितीय कुंडली होती है। तो ये कुछ इस तरह से हो सकती है कि मतलब एक ही जो इस तरह से एक साथ ही अटैच है, मतलब यहाँ पर मतलब जो आप एक वाले जो पार्ट देख रहे हैं वहां पर एक दूसरे के ऊपर लपेटी गई दो कुंडली आप दे सकते हैं, कि एक दूसरे के ऊपर ही हमने पहले प्राथमिक फिर द्वितीय कुंडली को लपेट कर बनाई है एक ट्रांसफॉर्मर। बी पार्ट में आप देख सकते हैं कि एक साइड तो हमारे पास क्या होगी, जो क्रोड है उसके क्रोड के अलग अलग भुजाओं पर हमने कुंडली बांधी है, यानी कि पहली जो प्राथमिक कुंडली है वो इस साइड है और द्वितीय कुंडली इस साइड है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मर होता है, वहां पे एक लोह क्रोड होगा, कोमल लोह क्रोड होगा, वहां पे एक प्राथमिक कुंडली होगी एक द्वितीय कुंडली होगी। जो प्राथमिक कुंडली होती है वहां से हमारे पास एसी वोल्टेज जो है यहाँ से जुड़ा हुआ होता है इसके साथ, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बल्ब या जो भी हमें चलाना है उपकरण वो इसमें जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इतना इसका कंस्ट्रक्शन, हमें अगर हम इसको आगे पढ़े इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में दो कुंडलियां होती है जैसे विद्युत रोधी होती है, अटैच नहीं होती है एक दूसरे के साथ। वो जो कुंडलियां होती है वो एक कोमल लोह क्रोड पर लिपटी होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक कुंडली को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली, जैसे प्राइमरी कॉइल आप कह सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं एनपी लपेटे इसमें होते हैं। तो एनपी यहाँ पे लपेटे होते हैं इसमें, पी मतलब प्राइमरी, एन मतलब नंबर ऑफ कॉइल जो उसमें है कुंडली के फेरे। इसी तरह से दूसरी कुंडली को हम द्वितीय कुंडली कहेंगे, यानी कि सेकेंडरी कॉइल, और उसमें जो फेरों की संख्या है वो हम एनएस कह सकते हैं, एस मतलब सेकेंडरी। होता क्या है कि जो प्राथमिक कुंडली होती है वो एक निवेशी कुंडली होती है, यानी कि निवेशी क्यों कह रहे हैं, उस पर हम इनपुट जो वोल्टेज हमें देना है वो हम प्राथमिक कुंडली पर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे पास एसी वोल्टेज जो हम देंगे वो प्राथमिक कुंडली को देते हैं। आपने एनिमेशन वाले में भी देखा था वहां पे जो करंट हम सप्लाई कर रहे थे वो किसको दे रहे थे, प्राथमिक कुंडली को दे रहे थे, इसलिए हम इसे निवेशी कुंडली कह रहे हैं। और द्वितीय कुंडली को हम कहते हैं निर्गत कुंडली, क्योंकि वहां से हमें आउटपुट मिलता है। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी और कार्य विधि के बारे में कि किस तरह से वर्क करता है। देखिए हम मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जो वोल्टता है वो वीपी, जो प्राथमिक कुंडली होगी हमने उसे वोल्टेज कितना दिया है, वीपी वोल्टेज दिया है। तो माना है किसी क्षण इस पर कुंडली का प्रत्येक फेरा जो क्रोड है उसमें फ्लक्स फाइव उत्पन्न होगा। हमने कहा था कि जब हम प्राथमिक कुंडली को वोल्टेज देंगे उसमें करंट जो है प्रोड्यूस होगी, तो वो उसका क्या होगा, फ्लक्स वो जनरेट करेगा। तो मान लेते हैं उसका जो प्रत्येक फेरा है मतलब जो फेरे उस पर लपेटे गए हैं वो क्या कर रहे हैं, उत्पन्न एक चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाइव से प्रदर्शित करते हैं। इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो एनएस लपेटों वाली द्वितीय कुंडली है उसके पास में जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें एक क्या हो जाएगा, प्रेरित ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम ईएस कह सकते हैं, सेकेंडरी ईएमएफ। उसका मान कितना होता है, हम फेराडे नियम में पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, उसका मान होता है ईएस बराबर माइनस एनएस डेल फाई अपॉन डीटी, डी फाई अपॉन डीटी इसका मान हो गया ये वाला। इसी तरह से जो प्राइमरी कॉइल है उसमें भी चुंबकीय फ्लक्स आएगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्या है ईएमएफ जनरेट होगा, उसको हम कहेंगे ईपी। तो हम प्राथमिक कुंडली में भी एक क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इससे हम कह सकते हैं ईपी। ईपी का मान क्या हो जाएगा, अगेन माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ईपी जो है वो वीपी के बराबर है, यानी जो ईएमएफ है प्राइमरी कॉइल का वो उसके वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज के बराबर है। अगर हम ईपी बराबर वीपी और ईएस बराबर वीएस रखते तो हम कह सकते हैं दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद रखना है,
वी एस बराबर हो जाता है माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी और वी पी बराबर माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ जाती है वो क्या आती है, चलिए देखते हैं। अगर हम आगे देखें इसको समझे तो हम पे जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है कि वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। यानी कि यहाँ से आपको समझने की जरूरत है कि हमने कहा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कैसे करते हैं वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए। यानी कि इस रिलेशन से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें सेकेंडरी कॉइल में मतलब अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके नंबर ऑफ कॉइल जो है फेरों की जो संख्या है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी जितने ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ज्यादा उसका वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन निकल कर आता है। That is, या को याद रखना है कि इसका रिलेशन क्या होता है, वी एस अपॉन एन वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो हमने ये डेरिवेशन की है उसमें हमने कुछ अजम्पशंस लिए थे। अजम्पशन क्या क्या है, नंबर वन अजम्पशन ये था कि जो प्राइमरी कुंडली है उसका प्रतिरोध और उसमें से प्रभावित होने वाली धारा बहुत कम है। सेकेंडरी अजम्पशन ये था कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली से समान फ्लक्स बाहर निकल पाता है। और तृतीय अजम्पशन ये है कि द्वितीय कुंडली में बहुत कम धारा प्रभावित होती है। तो ये कुछ अजम्पशंस है जो हमने पहले लिए हुए होने चाहिए, देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट निकल कर आता है। अभी हमने इस अजम्पशन की हेल्प से ये वाला रिलेशन निकाला था। हम आगे एक और अजम्पशन ले रहे हैं, वो अजम्पशन ये है कि हम मान लेते हैं जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी 100% दक्षता है, जो उसकी एफिशिएंसी है काम करने के वो 100% है। वैसे हम जानते हैं कि कोई भी डिवाइस होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि उसकी जो एफिशिएंसी है दक्षता है वो 100% है। 100% एफिशिएंसी मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो निवेशित शक्ति होगी उस ट्रांसफॉर्मर को जितनी भी हम शक्ति बाहर से निवेश कर रहे हैं वो उसकी निर्गत शक्ति के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम इनपुट में दे रहे हैं उसको वो उसके आउटपुट पे भी हमें उतना ही रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से मतलब शक्ति, तो हम शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं वो होता है पी बराबर आई वी होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्योंकि पी बराबर क्या होता है, आई वी या वी आई होता है, तो हम कह सकते हैं प्राइमरी कॉइल के लिए आई पी वी पी बराबर हो जाएगा सेकेंडरी के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइमरी जो कुंडली हमारी है वो निर्गत कुंडली है, सॉरी जो प्राइमरी कुंडली है वो निवेशी कुंडली है हमारी, और जो सेकेंडरी वाली है वो निर्गत कुंडली है, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट। राइट, तो इनपुट में जितना हमें पावर दी है आउटपुट में हमें उतनी पावर मिल रही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है आई पी वी पी बराबर आई एस वी एस। इसको हम आगे लिखें, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो क्या कह सकते हैं, देखिए अच्छा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई पी अपॉन आई एस बराबर होता है वी एस अपॉन वी पी। इसको अगर आप ऐसे लिखें, आई आई पी मतलब आई वाले कंपोनेंट को हमने एक साइड कर दिया और वी वाले को एक साइड कर दिया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई पी अपॉन आई एस बराबर वी एस अपॉन वी पी। तो यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालो कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं प्राइमरी कुंडली में जितनी करंट यहाँ फ्लो हो रही है उसका जो वी पी के साथ जो इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर आपको वोल्टेज को ज्यादा करना है तो आपको करंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हमने प्रीवियस वाले स्लाइड्स में देखा था कि वोल्टेज का जो फेरों की संख्या है उससे डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। आप इसको यहीं पे भी हमने लिखा है कि जो रिलेशन है ये या आपको याद रखना है, दैट इज आई पी अपॉन आई एस बराबर वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। तो ये एक रिलेशन हमारे यहाँ से निकल कर आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये रिलेशन निकाला है ट्रांसफार्मर के लिए कि आई पी अपॉन आई एस बराबर वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। जो वोल्टेज होगा वो कुंडली के तो अनुक्रमानुपाती है, लेकिन जो करंट है उसके व्युत क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं इस तरह से कि वी एस बराबर होता है एन एस अपॉन एन पी बराबर वी पी, या फिर आई एस बराबर हो जाएगा एन पी अपॉन एन एस आई पी। ये हमने जो प्रीवियस फॉर्मूले देखे थे स्लाइड्स में उसी को हमने अरेंज करके ये निकाला है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो।
अच्छा, अगर हमने अभी बात करी थी ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर के क्या क्या कंडीशन होने चाहिए हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे पास द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे, यानी कि हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा फेरे हैं एनपी से, यानी हम ले सकते हैं कि एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, एनएच जो है वो एनपी से ग्रेटर देन है, उस केस में क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वीएस जो हो जाएगा वो वीपी से बड़ा हो जाएगा, वीएस जो है वीपी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और जो नंबर ऑफ कॉइल्स है, फेरों की संख्या है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में हमारे करंट क्या हो जाएगी, करंट तो कम हो जाएगी आईएस में, तो आईएस इज लेस देन आईपी। तो ये कंडीशन अगर हमारी होती है ट्रांसफार्मर में, तो उस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर या फिर सेट अप ट्रांसफार्मर, ठीक है? इसी के तो आप समझ चुके हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर हमें हमें जो सेकेंडरी कॉइल है उसके जो फेरों की संख्या, उसको हम बढ़ाएंगे, उस फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, इसका मतलब उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें करंट कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल से। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारे पास किसमें, अपचाई ट्रांसफार्मर में, यानी सेटअप सेट डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेकेंडरी जो नंबर ऑफ फेरों की संख्या है द्वितीय कुंडली में वो कम हो जाएगी, मतलब उसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा उसके जो करंट है वो ज्यादा हो जाएगी प्राइमरी से, ठीक है? तो ये ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स हुए। देखो, हमने अभी अजम्पशन लिया था कि जो ट्रांसफार्मर है अगर वो 100% एफिशिएंट है तब वाला रिजल्ट हमारे पास आएगा करंट वाला और वोल्टेज के बीच में, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविक ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें किसी न किसी मात्रा में ऊर्जा का क्षय होगा, 100% एफिशिएंसी वो हमें नहीं देता है, कुछ ना कुछ जो पावर है उसका लॉस हो जाता है। तो ये पावर का लॉस क्यों हो रहा है, ऊर्जा क्षय क्यों होती है, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं। वो रीजन क्या होते हैं चलिए हम जान लेते हैं। उस रीजन का सबसे पहला कारण होता है फ्लक्स का क्षरण। फ्लक्स फ्लक्स मतलब क्या होता है कि सदैव कुछ ना कुछ फ्लक्स तो क्षरित होता रहता है, मतलब क्या होता है, कभी कभी जब क्रोड होती है, उस लोहो क्रोड जो हमने डिस्कस की थी, लोहो क्रोड जिस पर कि वो कुंडली क्या है फेरे लगे हुए हैं, तो क्रोड का क्या होता है, खराब होने के कारण या उसमें वायु रिक्ति होने के कारण, यानी उसमें का कोई छेद है, तो जो प्राथमिक कुंडली का जो समग्र फ्लक्स होगा वो द्वितीय कुंडली से नहीं गुजरता है, यानी जो प्राथमिक कुंडली का जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था वो सेकेंडरी कुंडली में जाना चाहिए था, लेकिन कभी कभी क्रोड में कुछ खराबी आने के कारण या कहीं ना कहीं वायु रिक्ति के कारण, छेद होने के कारण, जो सारा फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल में नहीं जा पाता है, ठीक है? तो इस वजह से भी बाहर ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली को एक दूसरे के ऊपर हम लपेट कर इस क्षरण को कम कर सकते हैं। हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड्स में कि हम कुंडली ट्रांसफार्मर को बनाने के दो टाइप्स हैं, दो मेथड्स हैं, मतलब एक तो हम एक दो ए दो दोनों कुंडली को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाते हैं, या फिर दूसरा मेथड यह है कि जो लोह क्रोड है उसके एक भुजा में हमने प्राथमिक कुंडली लगा दी और दूसरी भुजा में हमने सेकेंडरी सेकेंडरी वाली कुंडली लगा दी है। तो हमने कहा है कि हमें फर्स्ट वाला मेथड हम अगर अपनाते हैं एक दूसरे के ऊपर कुंडली को लपेट कर, तो वो ज्यादा अच्छा मेथड होता है, उसमें फ्लक्स का क्षरण क्या होता है, कम होता है। सेकेंड क्या रीजन हो सकता है ऊर्जा क्षय का, सेकेंड रीजन हो सकता है कुंडली को कुंडलनों का प्रतिरोध, यानी जो कुंडली है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट? मतलब कि जो कुंडलियां हैं उनको बनाने में लगे जो तार होंगे उन तारों का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसलिए इन तारों में उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है, एच बराबर आई स्क्वायर आर होती है, उसके कारण ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ठीक है? ऊर्जा का क्षय हो जाता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि ऊर्जा का क्षय क्यों हो रहा है, क्योंकि कुंडली बनाने में जिन तारों का उपयोग हम कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिरोध है। इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उच्च धारा निम्न वोल्टता कुंडलनों में मोटे तार का उपयोग करके हम इस तरह के ऊर्जा क्षय को कम कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम मोटे वाले तारों का उपयोग करेंगे कुंडलनों में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड रीजन होता है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या होती है, जो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स लोह क्रोड में भंवर धाराएं प्रेरित करते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उसकी वजह से कुछ भंवर धाराएं प्रेरित हो जाती हैं जो इसे गर्म कर देती हैं। इसको कम करने के लिए या इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्तरित क्रोड का उपयोग करके हम इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। फोर्थ रीजन होता है शैथिल्य। शैथिल्य क्या होता है,
जो प्रत्यावर्ती चुंबक के क्षेत्र द्वारा क्रोड का चुंबकन बार बार उत्क्रमित होता है। इस प्रक्रिया में व्यय होने वाली ऊर्जा क्रोड में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। कम शैथिल्य वाले पदार्थ का क्रोड में उपयोग करके हम इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फोर रीजन पढ़े हैं कि किस तरह से जो वास्तविक रियल में ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें ऊर्जा का क्षय क्यों होता है। तो चार कारण हमने पढ़े। तो देखिए, पहला कारण था फ्लक्स का क्षरण, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स का क्षरण होता है। उसके कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने वो देखा कि हम दोनों कुंडली को एक साथ ही एक दूसरे के ऊपर लपेट सकते हैं। सेकेंड रीजन होता है कुंडलियों का प्रतिरोध, यानी कुंडली बनाने में जिन तारों का उपयोग हुआ है उनका कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से भी क्षय होता है। उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोटे तारों का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड हमने देखा कि भंवर धाराएं जो उत्पन्न होती है उसकी वजह से भी ऐसा होता है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम स्तरित क्रोड का उपयोग करें। फोर्थ हमने शैथिल्य का रीजन पढ़ा, तो शैथिल्य की वजह से भी क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। इसको कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम कम शैथिल्य वाले पदार्थ का क्रोड में प्रयोग कर सकें। तो अब हम जानने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के बारे में हमने जान लिया, लेकिन ट्रांसफार्मर का उपयोग आखिर होता कहाँ का है। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब भी हमें विद्युत ऊर्जा का लंबी लंबी दूरियों तक, मतलब बड़े पैमाने पर बहुत दूरियों तक हमें उसको भेजना हो या उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना हो ऊर्जा का, तो उसके लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। हमने देखा ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर का क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो हम रिव्यू देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का जो मुख्य उपयोग होता है वो विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता से कम वोल्टता या फिर कम वोल्टता से अधिक वोल्टता में बदलना होता है। हमने देखा कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, हमने इसके रिलेशन देखे। और इसके साथ हमने ये देखा, हमने पढ़ा उच्चाई ट्रांसफार्मर के बारे में और अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले सारांश, ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।